ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله फिर मोहतरम भाइयों और मोजुस् खुत खिलाफत बनी उमै के ताल्लुक से बातें आपके सामने चल रही हैं अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर खिलाफत है और अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर खिलाफत में किस तरह के हालात का सामना था वो बातें आपके सामने आई है और जो भी दाखिली फितने थे और अंदरूनी फितने यानी मुल्क के अंदर से जो बगावतें हो रही थीं या जो फितने सर उठा रहे थे अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक एक करके उन फितनों को ख़त्म किया और आखिरकार पूरी हुकूमत पूरी इस्लामी हुकूमत एक जो है प्लेटफॉर्म पे और सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो गए और पूरी हुकूमत एक झंडे के तहत जो है क़ायम हो गई उसके बाद जब आदमी फितनों से मुकम्मल तरीके से द आज़मा हो करके फितनों से नजात हासिल कर लेता है तब अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोच पाता है और हालात को किस तरीके से संभाला जाए और किस तरह से कोशिश की जाए कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर चलता फिरता रहे गामजन रहे तो उसकी तरफ अब्दुल मलिक बिन मरवान ने काफ़ी तवज्जो दी है आज के इस दरस में आपके सामने अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में खिलाफत का जो यानी फाइनेंशियल सिस्टम कह लीजिए आज के दौर में माली निज़ाम जो था वो किस तरीके से माली ये निज़ाम कायम था और हुकूमत की आमदनी के जराए क्या थे इनकम कैसे हुकूमत की होती थी और उसको खर्च किस तरीके से किया जाता था तो इसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आज के इस दरस में जिक्र की जाएंगी तो इस्लामी हुकूमत का जो भी यानी उनका इनकम सोर्स कह लीजिए आज के जमाने तो जो है सोर्स ऑफ इनकम ये इस्लामी हुकूमत में आम तरीके से ये पांच चीजें हुआ करती थी जो उनके सोर्स ऑफ इनकम कहलाती थी ये पांच चीजें पहले से भी थी यानी ऐसा नहीं था कि अब्दुल मलिक बिन मरवान ने उसकी शुरुआत की हो पहले से ये चीज़ें मैं वो बयान करना चाह रहा हूँ आपको कि बस ये होता है कि बात चीज़ों में तरक्की हो जाती है और चीज़ें कुछ आगे बढ़ जाती हैं और कुछ बेहतर कर दी जाती हैं हालात के तकाजे होते हैं उसके लिहाज से तब्दीलियाँ होती रहती हैं तो ये पांच सोर्सेस क्या थे सबसे तो पहले तो जक़त उसके बाद जो ज़मीन का लगान लगान का लफ्ज लोग इस्तेमाल करते रहे हैं तो यहाँ पर भी ये लफ्ज़ लोगों को बड़ा मानूस लगेगा इसलिए मैंने लगान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अरबी में उसके लिए एक ख़ास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है लेकिन मैंने लगान कहा आपको समझने के लिए तो लगान भी ये भी हुकूमत की आमदनी का एक जरिया हुआ करता था और एक तीसरी चीज़ जिसे जिजिया कहा जाता है और ये एक तरह का टैक्स होता था वो भी जिजिए के तलक़ से भी बात आपके सामने इन शाह आएगी और भी गनीमत का माल गनीमत का जो पाँचवा हिस्सा है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए तो पाँचवा हिस्सा चार हिस्से तो जो मुजाहिदीन होते हैं जो जंग में शिरकत करते हैं उनके दरमियान माल गनीमत का ये हिस्सा तकसीम हो जाता था लेकिन उसका पाँचवा हिस्सा वन फिफ्थ वन फिफ्थ ये कुरान में है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए है तो इस तरह से ये भी हुकूमत इस्लामी इस्लामी हुकूमत की आमदनी का एक जरिया कि जैसे जैसे फतवाहत होती हैं और वहाँ से माल गनीमत मिलता है तो उस माल गनीमत में से वन फिफ्थ हुकूमत के भी बैतुल माल में आ जाता है और भी एक जो है तरीक़ा था उस जमाने में और वो तरीक़ा ये था कि बाज बड़े बड़े जैसे ताजिर हों या जो है लोग जो बड़े जिनके बारे में ये होता था कि ये लोग पैसे कमाएंगे ये लोग मेहनत करेंगे कोशिश करेंगे तो उनके लिए ज़मीनें वगैरह अलाट कर दी जाती थी और अलाट करके उसके ज़रिए से उनके ऊपर चीज़ मुतिन कर दी जाती थी कि इतना आपको जो है हुकूमत को देना है तो इसके ज़रिए से भी हुकूमत की आमदनी होती थी ये भी एक तरीका था तो मैं अब थोड़ा थोड़ा आपके सामने इसके बारे में पेश करूँगा कि ज़क़़त का जो मामला था तो जकवा़त अल्लाह के रसूल वसल्लम के ज़माने से ही जकवात का ये मशरफ़ हमेशा से रहा है कि ज़क़़त बाकायदा हुकूमत की तरफ से इकट्ठा की जाती थी अल्लाह के रसूल वसम के जमाने में माल था और ज़क़ात का इज्तमाहीज़ाम कायम था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा करते थे सहाबे कराम को कि जा करके उन लोगों की ज़क़ात वसूल करके लाए और ला करके बैतलम में इकट्ठा रखें फिर उस बैतुलमाल से प्यारे नबी सल्ह वसम जैसे जहाँ जिसकी ज़रूरत महसूस करते थे उसके लिहाज से आप खर्च किया करते थे तो चूँकि हाकिम आप ही थे उस वक्त तो इस वो लिहाज से हाकिम वक्त समझ लीजिए कि फिर उस जक़्यात के माल को उस अपनी पब्लिक पर लोगों पर कैसे खर्च करना है लोगों की ज़रूरियात को सामने रखते हुए तो प्यारे नबी सल वम उसे लोगों पर ख़र्च करते थे तो यही हुकूमत का भी काम होता है इस्लामी नज़ाम हुकूमत में भी जो खलीफ वक्त होगा ज़क़ात का माल जो बैतुल माल में इकट्ठा होगा तो बैतुल माल से ज़क़ात का ये माल हाकिम वक्त लोगों की ज़रूरत के लिहाज से खर्च करेगा जैसे अब आज के दौर में आप देखते हैं हुकूमतों में कि बहुत सी इस्कीमें होती हैं गरीबों के लिए मस्किनों के लिए इस्कीमें निकाली जाती हैं और उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती तो हुकूमत का ही ये काम होता है हालांकि हुकूमत का अपना कोई पैसा तो नहीं होता है उसमें तो हुकूमत के पास जो पैसा आता है कहाँ से आता है वो भी पब्लिक के थ्रू ही आता है तो ये एक ज़्यात इस्लाम का जो निज़ाम है माली निज़ाम उसमें ये चीज़ है कि बैतलम क़ायम हो और बैतुलमाल में ज़क़़त इकट्ठा हो और फिर हाकिम वक्त उसे लोगों की ज़रूरत के लिहाज से उन तक उन गरीबों तक मस्किनों तक मुख्तलिफ अंदाज से ये माल पहुँचाए तो प्यारे नबी सल्ला व्लम यह किया करते थे खलफा राशद ने भी इस चीज़ को ऐसे ही कायम रखा तो ये सिलसिला था पूरी इस्लामी हुकूमत में तो खिलाफत बनी व में भी यही सिस्टम था कि ज़क़़त इस तरह से वसूल करके बैतुलमाल में आती थी और बैतुलमाल से हाथी में वक्त उसको गरीबों मस्किनों तक पहुंचाते थे उन पर ख़र्च करते थे और हुकूमत की तरफ से इसका पूरा इंतज़ाम होता था पूरी निगरानी रहती थी पूरी देखभाल रहती थी तो ये एक बड़ा अहम जो है कह लीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम है इस्लामी हुकूमत के लिए जिसे हम जक़्यात कहते हैं उसके अलावा एक दूसरा जो है जिजिया जिसे हम कहते हैं जिजिया जिजिया एक तरह का टैक्स होता है और ये टैक्स लिया जाता है गैर मुस्लिम से जिजिया चूंकि ज़कात जो है ये मुसलमानों से ली जाती है लेकिन गैर मुस्लिम जो कि इस्लामी हुकूमत में होंगे तो उनसे ज़कात तो नहीं ली जाती जक़ात तो नहीं ली जाएगी उनसे तो एक टैक्स होता था उनके ऊपर इसके मुकाबले में जिसको जिजिया कहा जाता था तो जिजिया ये अल्लाह के रसूल वसलम के ज़माने में ये भी जो है किताब व सुन्नत से ये चीज़ साबित है गैर मुस्लिम से ज़िजिया लेने के ताल्लुक से प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने भी अपने जो है दौर में आपने जो है जो गैर मुस्लिम इस्लामी हुकूमत के मातहत रहेंगे उनके ऊपर ये जजिया फ़र्ज किया था अल्लाह के रसुल तो उसकी एक मिसाल पेश कर दो कि नजरान के रहने वाले लोग जो कि गैर मुस्लिम थे उनके साथ जब सुलह हुई और वो लोग इस्लामी हुकूमत के मातहत रहेंगे और असल इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी जो है हुकूमत में जो जो भी गैर मुस्लिम होते हैं नान मुस्लिम हैं तो उन सबको प्रोटेक्शन दिया जाए उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए तो हुकूमत की तरफ से उनकी हिफाजत का इंतज़ाम होता है और उसी हिफाजत के इंतज़ाम के समझ लीजिए कि एक तरह से उसके मुकाबले में उनसे एक टैक्स लिया जाता है चूँकि उनकी हिफाजत जो है हुकूमत करेगी तो इस पर ख़र्चा आता है उस लिहाज से हुकूमत उनसे टैक्स लेती है उसी का नाम जिजिया है तो चूँकि ये गैर मुस्लिम से लिया जाता है इसलिए इसको जिजिया कहते हैं और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई गैर मुस्लिमों से क्यों सिर्फ लिया जाता है मुसलमानों से क्यों नहीं लिया जाता ये इस्लामी हुकूमत में ऐसा निज़ाम क्यों रखा गया है तो याद रख लीजिए मैंने पहले कहा आपसे कि चूँकि गैर मुस्लिमों से अब इस्लामी हुकूमत रहेगी तो उसमें मुसलमानों से ज़क़ात वसूल करके बैतुलमाल में रखी जाती है और फिर इसे ग़रीबों में तकसीम किया जाता है तो इनके जो है जो गैर मुस्लिम हैं उनसे जकवात तो नहीं वसूल की जाती तो उनसे ज़िजिया वसूल किया जाता है जो एक तरह का टैक्स होता था तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान वालों से नजरान ये एक जगह का नाम वहाँ के लोगों के साथ सुलह किया और इस पर बात तय हुई कि वो लोग अस्सी हजार अस्सी हजार एटी थाउजेंड ये दिरहम हर साल अदा करेंगे और इस तरह से इस्लामी हुकूमत में ये ज़िजिया ये टैक्स जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकायदा हुकूमत में ये चीज़ जो है हुकूमत को पहुंचती थी और ये हुकूमत की आमदनी का एक जरिया उस जमाने में बाद में ये हुकूमत की ज़रूरतों पर यह सब चीज़ें खर्च होती हैं अल्लाह के रसूल ज़माने में याद रखिए हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं थी यानी मतलब ये है कहने का कि ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि बाकायदा जो है हुकूमत के इतने इदारे हों सारे इदारे के जो मुलाजमीन हैं एम्प्लज हैं उनकी तनख्वाहें देनी हैं या खुद जो है हाकिम वक्त तनख्वाह ले हाकिम जो काजी है वो तनख्वाह ले जज वगैरह या और भी जो पुलिस वगैरह के लोग हैं जैसे आज के दौर में पूरा एक सिस्टम होता है तो सबकी तनख्वाह होती है ना तो ये सारा खर्च होता है तो उस ज़माने में ये ख़र्च था ही नहीं प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्ला वसम हाकिम हैं आप ही काज़ी भी हैं फैसला भी आप ही करते थे और जो भी लोग होते थे उस जमाने में जो भी ज़रूरत होती थी उसके लिहाज से वक्त पर लोग खड़े होते थे और काम करते थे उनकी तरफ से वो सब चीज़ें हुआ करती थी लेकिन कभी भी उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता था कि बाकायदा जो है उसके पैसा ले तो उस तरह की चीज़ नहीं हुआ करती थी तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा तनख्वाहों का मसला तो नहीं होता था हाँ ये होता था कि प्यारे नबी सल्ह वसलम जब किसी काम के लिए किसी को भेजते थे जैसे ज़क़ात की वसूली के लिए आपने भेजानेंट था।, तो था।, तो था बस ये कि काम के लिए भेजा वो काम करके आए जक़ात का माल वसूल करके लाए तो उसमें से उनकी उजरत भी उनकी मजदूरी भी उनके हिस्से का जो भी उन्होंने जो मेहनत किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया करते थे तो हुकूमत का और कोई उस तरह से पुलिस का जो है खर्चा फलां का खर्चा फला का खर्चा वो सब चीज़ें नहीं बाकायदा पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो फिर बिल्डिंग में लोग हों मम्बरें पार्लियामेंट हो सारे लोगों की तनख्वाहें हों रईस जमहूरिया की अलग हो वज़ी अजम की अलग हो सारे मुंबरान पार्लियामान की और उनकी सारी सहूलतें फैसिलिटीज ये सब की सब आज के दौर में क्या है हुकूमत के ख़र्चे होते हैं तो उस जमाने में अल्लाह के रसूल वसलम के ज़माने में तो ऐसा कोई ख़र्चा था ही तो ये टैक्स जो भी आता था ये जिजिया की रकम भी जो आती थी ये सब भी क्या है मुसलमानों में ही जो गरीब हैं मस्किन हैं हुकूमत उनका इंतज़ाम करना है उनका तो उन्हीं में वो सब चीज़ें तकसीम कर दी जाती थी सिस्टम यही था इसी लिहाज से चीज़ें चलती थी खलफा राशिदीन के दौर में भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई बातचीतों में मुस्तकिल इदारे बना दिए गए शुरुआत हो गई पुलिस वगैरह के निज़ाम की शुरुआत भी हुई लेकिन उस तरह का भरा जैसे आज के दौर में आप देख रहे हैं तो इस तरह का तो वो अंदाज नहीं था कि अच्छी खासी जो है उनकी पुलिस वालों की भर्ती हो और हमेशा उनको तनख्वाह देने का मसला हो तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा जो है ये मसला नहीं था उस जमाने में तो ये सिलसिला नजरान वालों के साथ जो जजिए का था अल्लाह के रसूल के ज़माने में ये चलता रहा उस्मान रज़ी अल्लाहों के दौरे खिलाफत में वहाँ के लोगों ने आकर के शिकायत की कि ये एटी थाउजेंड एक साल में देना एटी थाउजेंड ये दिरहम है याद रखिए ये चांदी का सिक्का हो जाता होता था तो उतना देना हमारे लिए बहुत बोझ है बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि अब उतने लोग नहीं है कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं और जो मौजूद हैं सर वो सब आपस में इकट्ठा करके पैसा हुकूमत को दिया करते थे ये टैक्स होता था तो उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तनों के दौरे खिलाफत में उन्होंने आकर के शिकायत की के ये हम पर बहुत बोझ है परेशानी हो रही है इसे कम किया जाए तो रजी अल्लाह ने 80,000 से कम करके उसे सेवेंटी टू थाउजेंड कर दिया था तो इस तरह की गुंजाइश भी रहती है यानी कभी कभी हमारे बाज भाई लोग जो है बड़े जोश में आकर के जो काम अल्लाह के रसूल सल्म ने किया है उसमें तब्दीली कैसे कर सकते हैं तो ये ये सियासी जो मामला होते थे ये इश्तहादी मामला कहलाते हैं कितना जो है जिजिया कितना टैक्स रखा जाए कब कितना लिया जाए ये सब जो भी हाकिम रहेगा वो उस वक्त के लिहाज से फैसला कर सकता है उसको ये हक होता है तो ऊस्मान रजिया ने उनके टैक्स को कुछ कम कर दिया बाद में जब मुआविया रजी अल्लाह तहों का दौरे खिलाफत रहा तो उस वक्त भी फिर ये लोग आए और इन्होंने शिकायत की कि ये जो है सेवेंटी टू थाउजेंड भी देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है तो माविया रजी अल्लाह ताला उन्होंने और उनके दौर तो ये सब चीजें जो है चीजें रही बाद में जब ये हजाज बिन यूसुफ का दौर था यानी हजाज बिन यूसुफ तो एक जो है गवर्नर ही था तो इसने जो है अपनी गवर्नरी के दौर में जो सिक्सटी फोर थाउजेंड हो गया था नजरान वालों का टैक्स गैर मुस्लिमों का टैक्स उसको फिर बढ़ा करके सेवेंटी टू थाउजेंड हजाज बिन यूसुफ ने कर दिया था तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक निज़ाम है टैक्स लेने का गैर मुस्लिम से जिसे जिजिया कहा जाता है तो जजिया का ये निज़ाम अल्लाह के रसूल के ज़माने से रहा और ये पूरे खिलाफत के दौर में ये निज़ाम चलता रहा तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में भी ये जो है सिलसिला चलता रहा है महल्लब बिन अबी सफ्रा का नाम बार बार आपके सामने आता रहा है मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में महलब बिन अबी सुखरा ये बड़ा मशहूर नाम था एक फौजी जर्नेल था ये महर्रब बिन अबी सुखरा जो ख़वारिज का फितना ख़त्म करने में और भी बाज़ दूसरी जो है और फौजी जो मुहिम होती थी अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में तो उसमें इसने बढ़त बहुत ही अहम रोल प्ले किया था अहम रोल अदा किया था महल्ल बिन अबी सफरा इसलिए इसका नाम बार बार आता रहता है तो महल्ब बिन अभी सफरा इन्होंने जब खबारजिम खारजिम एक इलाका है वहाँ के इलाके के लोगों के साथ सुलह किया तो इन्होंने जो टैक्स रखा था वहाँ के गैर मुस्लिमों पर वो ट्वेंटी मिलियन दिरहम से ज्यादा रखा था ट्वेंटी मिलियन ये थाउजेंड नहीं है, मिलियन जो है दिरहम साल में उनको इतना देना है यहाँ तक कि अगर वहाँ के लोगों को परेशानी होती थी उसे अदा करने में क्योंकि अब ये सोने और चांदी के सिक्के होते थे उस जमाने तो अब उतने सोने और चांदी भी तो होने चाहिए कि उसके सिक्के बने तो उतने सिक्के नहीं होते थे मार्केट में जितना इन्होंने जो है उस उनसे जजिया रखा था टैक्स रखा था तो क्या करते थे ये ये भी उन्होंने एक सहूलत दे रखी थी उनको फैसिलिटी कि वो दिरहम के बजाय उतनी ही कीमत के कोई दूसरे सामान भी वो टैक्स में दे सकते हैं तो उसे कबूल कर लिया जाएगा तो ये बहरहाल जो है सिस्टम मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम चलता था और यहाँ थोड़ी कभी कभी जो वसूली करने वाले लोग होते थे उनकी तरफ से कुछ ज्यादतियाँ भी होती थी यानी ऐसा होता है हर हमेशा जो है आप जानते हैं कि जिनको कामों के लिए भेजा जाता है ना तो कभी वो लोग कुछ ज़्यादा ही हुकूमत की वफ़ादारी दिखाना शुरू करते हैं तो टैक्स वसूल करने में कुछ ज़्यादा ही जो है वो चुस्त नज़र आते हैं कभी कभी वो जुल्म भी कर जाते हैं तो जब ये लोग दिरहम की जगह पर कोई दूसरा सामान लेते थे टैक्स में तो जुल्म ये हो जाता था उनकी तरफ से कि बाज़ चीज़ें जिनको वो सामान उनसे लेते हैं तो उसकी कीमत ये लोग बहुत कम लगाते थे जबकि मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा होती थी तो इस लिहाज से बाज़ लोगों ने यह भी लिखा है कि जो है पचास ये असल में ट्वेंटी अभी मैंने आपको बताया था ट्वेंटी मिलियन दिरहम यही जो है उनका टैक्स था लेकिन जब ये सामान वगैरह वसूल करके लाते और उसकी वैल्यू देखी जाती तो कभी कभी ये फिफ्टी मिलियन जो है दिरहम से भी बढ़ जाती थी जो तो ये सब सिलसिला भरल जो है ये सब चीज़ें होती रहती हैं चलता रहता है ये सब जो है ये सब मसाइल होते रहते हैं इसके बाद जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ अलैह का दौर आया तो उनके दौर के बारे में आप सुनते रहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो फाइनेंशियल जो है जो करप्शन जो था उसको खत्म किया तो वो इसी तरह की चीज है यानी उनके दौर में इस चीज को खत्म किया गया कि नहीं जो जजिया उनके साथ है पूरी अमानतदारी के साथ अगर उसकी जगह पर सामान लिया जा रहा है तो सामान की पूरी पूरी वैल्यू लगा करके कीमत लगा करके उसके लिहाज से लिया जाएगा किसी भी जजिया देने वाले पर कोई किसी तरह का जुल्म तो बड़ी असलाहत बड़ा करप्शन था असलाहत तो वो इसी तरह की चीजें कुछ ज्यादिया थी जो टैक्स वसूल करने वालों की तरफ से हो जाया करती थी उसको उमर बिन अब्दुल्जीज रहा ने अपने दौर में खत्म कर दिया था उसके बाद आमदनी का एक और ज़रिया है जिसे लगान कहते हैं हम लोग उर्दू में इसे लगान कहते हैं लगान क्या है ये लगान ये है कि हुकूमत खेती करने वालों को ज़मीनें दे दे एक तो उनको ज़क़ात देनी होती एक अलग मसला है वो ये एक लगान है तो हुकूमत बाकायदा जो है खेती के लिए ज़मीन दे देगी और ज़मीन दे करके जो लोग खेती करेंगे उसमें उनसे उससे जो भी खेती होती है लगान वसूल करती है क्योंकि हुकूमत वो जमीन उनको देती है तो ये एक सिस्टम भी रहा और इस सिस्टम के तहत भी हुकूमत की आमदनी होती थी तो ये मामला जो है हुकूमत की आमदनी का ये सोर्स ये हमेशा से बढ़ता रहा क्योंकि जिस तरह से इलाक़े फ़तह होते गए तो जब इलाक़े फ़तह होंगे तो वहाँ की ज़मीनें वगैरह सब तो बहुत सी ज़मीनें जमीन उतनी आबादी तो थी नहीं उस ज़माने में आबादियाँ कम थी तो ज़मीनें खाली बहुत रहती थी तो ये खाली ज़मीनें लोगों को दे दी जाती थी कि वो उसमें मेहनत मजदूरी करें खेती करें और उसका लगान भी उनसे वसूल कर लिया जाता था तो एक सिस्टम था ये भी हजाज बिन यूसुफ़ के जब वो गवर्नर था तो उसके दौर में इसमें बड़ी कमी वाक़ हो गई थी यानी हुकूमत की आमदनी जो इस सोर्स के तहत होती थी उसमें बहुत कमी आ गई थी और ये इराक़ एरा, का जो इलाक़ा था जिसे मशी एरिया कहा जाता था यानी इस्टर्न जो है एरिया कह लीजिए आप तो, तो इस इलाके में और यहीं का ये गवर्नर था तो इस इलाके में काफ़ी कमी वाक हो गई यहाँ तक कि बाज़ तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 18 मिलियन तक जो है मिलियन दिरहम तक ये पहुंच गया बाज लोगों ने यह लिखा है कि हजाज बिन यूसुफ की मौत के वक्त ये 25 मिलियन ये जो है वो जो आ, लगान जो असूल होता था यहाँ तक पहुंच गया था हालांकि अमीर माविया रजील तनों के दौरे खिलाफत में इस मद से इस सोर्स से जो हुकूमत को आमदनी होती थी वो तकरीबन 135 मिलियन दिरहम की हुआ करती थी तो 135 मिलियन से इतनी कमी हो गई थी कि 25 या 18 मिलियन दिरहम ये सिर्फ आमदनी रह गई थी हजाज जब वो गवर्नर था मशरक़ी इलाके का तो उस वक्त इतनी कमी आ गई थी उसके अंदर तो ये भी जो है जिक्र किया गया लेकिन इसके मुकाबले में जो वेस्टर्न एरियाज यानी जज जो हम कहते हैं शाम का इलाका शाम के से ही जुड़े हुए और बाज़ दूसरे इलाक़े जो वेस्टर्न एरियाज कहते थे यानी मग़रबी हिस्सा और मशी हिस्सा तो मगरबी हिस्से में इसमें काफ़ी तरक्की भी देखने को मिली थी तो उसकी एक अहम वजह ये भी थी कि ये मशरकी जो एरिया था इराक़ वगैरह का यहाँ पर चूँकि सोरिशें होती रहीं फितने आते रहे लड़ाइयाँ होती रहीं तो इन सब चीज़ों की वजह से भी काफ़ी कमी यहाँ पे नोट की गई तरक्की के मामले में और इसी तरीके से जो ज़मीनें दे करके उससे लगान वसूल की जाती थी करते थे तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इसमें कमी देखने को मिली लेकिन शाम वगैरह के इलाके में ये बात नहीं थी वहाँ अमन था तो वहाँ बदमनी नहीं थी जब बदमनी नहीं थी तो इसलिए वहाँ पर आमदनी जो होती थी इस तरह की चीज़ों से इस तरह के सोर्सेज से वो आमदनी भी अच्छी खासी होती थी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती थी एक और तरीक़ा था कि जो बड़े बड़े ताजर लोग हैं या जो सामान वगैरह तैयार कराने वाले लोग मनुफैक्चरिंग जो है आपको वो कह लीजिए तो ऐसे लोगों के लिए भी हुकूमत उनको ज़मीनें वग़ैरह फराहम कर देती थी उनको अलाट कर देती थी हुकूमत जिसे अरबी जबान में इक्ताज़ कहते यानी ज़मीनें उनको अलाट कर दी गई हुकूमत की तरफ से और उसके मुकाबले में उनसे भी एक तरह का लगान कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए लफ्ज़ जो भी आप इस्तेमाल कर लें वो उनसे वसूल करते थे जो। तो ये भी हुकूमत की आमदनी का एक जरिया था उस जमाने में और ये इस तरह से भी हुकूमत की आमदनी हो जाया करती थी तो हुकूमत की आमदनी के यही जराए थे उस जमाने में फिर अब जब हुकूमत के पास ये पैसा आया तो हुकूमत पैसों को ख़र्च कैसे करती थी यही माली निज़ाम इसी को कहा जाता है कि जो है आपको सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा फिर आपने उसे जो इनकम थी खर्च कैसे किया आपने कहाँ खर्च किया तो उस जमाने के जो अखराज थे मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा हुकूमती इधारों पर ख़र्चा कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था अल्लाह के रसूलम के ज़माने में तो बिल्कुल ही मामूली खिलाफत राश्ता में भी तकरीबन यही था खिलाफत बनी उमैया के दौर में हुकूमती इदारों में काफ़ी तोसी हो चुकी थी तो उसके ख़र्चे भी थोड़े बढ़ गए थे लेकिन फिर भी उतना ख़र्चा नहीं था जो आज के दौर में आप देखते हैं या कहीं के बारे में सुनते हैं आम खर्चा क्या था हुकूमत का सबसे अहम जो है यानी अगर मैं आज की ज़बान में कहूँ जो हुकूमतों में जबान इस्तेमाल की जाती है कि बजट जो है हुकूमत का जो होता था तो किन किन चीज़ों के लिए पैसे उस ज़माने में वो ख़र्च के लिए मुतिन करती हुकूमत कि ये पैसा यहाँ का इतना खर्च किया जाएगा इसमें और इतना पैसा खर्च किया जाएगा तो हर एक का बजट अलग अलग तो सबसे बड़ा बजट जो होता था इस्लामी हुकूमत का वो डिफेंस सिस्टम पर हुआ करता था जो हुकूमत की आमदनी है उसका बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता था डिफेंस पर जो। इसको अरबी में हम कहते हैं अन्ना यानी फौज और लश्कर जो हुकूमत के पास है और जिनको जिनकी, जिनकी जिम्मेदारी होती है डिफेंस की जिनकी जिम्मेदारी होती है कि मजद जो है इसको निज़ाम को बेहतर बनाए और आगे तक बढ़े तो उसका खर्चा ज्यादा जो है आमदनी का खर्चा उसी पर हुआ करता था तो आज के दौर में कहना तो हम कहेंगे कि डिफेंस पर यह इस्लामी हुकूमत ज्यादा खर्चा किया करती थी और यहाँ तक जो है अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत के ताल्लुक से बात यह है कि सबसे कम जो है किसी भी फौजी को जो हुकूमत की तरफ से आज के दौर में कहना हो आप कह लीजिए कि सैलरी जो है उस दौर में हुकूमत के अतीये कहलाते थे ये तो हुकूमत की तरफ से जो आतिया मिलता था तो मिनिमम अगर किसी फौजी का था तो जो है बारह सौ दिरहम यानी वन थाउजेंड टू हंड्रेड दिरहम ये उनको मिलता था ये मिनिमम समझ लीजिए सबसे कम जो है और उसका एवरेज अगर देखेंगे फौजियों के तालु से तो वो तकरीबन जो है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड दिरहम हुआ करता था और मैक्सिमम जो किसी को मिलता था वो वन थाउजेंड एटी एट हंड्रेड जो है अट्ठारह सौ जो है, 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 है दिरहम ये मिलता था जो है तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हुकूमत का जो खर्चा था बड़ा खर्चा वो डिफेंस पर ही इस्तेमाल होता था उसी डिफेंस में कई शक्ल ये थी एक तो ये फौजियों का खर्चा हो गया उसके अंदर दूसरा खर्चा क्या था कि नए नए वेपन बनाए जाए हथियार बनाए जाए ये डिफेंस में ही ये चीज़ भी आती है तो उसके लिए भी बाकायदा उसका खर्चा उसका बजट होता था हुकूमत की निगाह में कि इतना जो है उसके लिए खर्च जितनी भी ज़रूरत होती थी हुकूमत को पूरा करना है ना वो तो ये जो टैक्स वगैरह की रकम आती थी ना तो इसी के जरिए से वो लोग उसे पूरा करते थे और भी हुकूमत के जो सोर्सेस थे आमदनी के सोर्सेस तो वो जो आमदनी होती थी तो इन सब में खर्च किया कर, खर्च करते थे तो ये भी वो जो है बजट का बड़ा हथियार बनाने और उसके लिए फैक्ट्री जो है लगाने उस पर खर्च हुआ करता था और बनैया के दौरे खिलाफत में जिसमें अब्दुल मलिक बिन मरवान की दौरे खिलाफत भी शामिल है अब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौरे खिलाफत भी शामिल है इन्होंने बहरी जो बहरी बेड़ा जिसे कहते हैं यानी समंदर में जा के दूसरे मुल्क पर हमला करके और ये जो सलाहियत होती है जो आजकल नेवी फ़ौज जिसे आप कहते हैं तो ये सिस्टम मुआविया मावियाल ताल के दौरे खिलाफत में ही इसको तरक्की मिली थी तो बनो मैया के दौरे खिलाफत में इसको बड़ी अहमियत दी गई और इस पर काफ़ी पैसे खर्च किए गए और जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी इसकी यहाँ तक तो कि तूनस्म के बारे में भी आता है मिस्र के ताल्लुक से भी आता है कि फैक्ट्रियाँ लगाई गई जो उस जमाने में जहाज़ हुआ करते थे पानी पर चलने वाले वो लकड़ियों से बनाया करते थे तो उसको बनाने के लिए जगह जगह फैक्ट्रिया खोली गई थी तो ये सारी चीजें क्या है ये डिफेंस का खर्चा ही माना जाएगा तो इस पर काफी अच्छा खासा हुकूमत का बजट इसी के ताल्लुक से हुआ करता था चाहे वो फौजियों को लेकर के हो या फौजी साजो सामान जिसे आजकल कहा जाता है जिसे वेपन कह लीजिए आप समझने के लिए कि फौजी जो है हथियार जो होते थे उसको बनाने में लोग उसकी तरफ काफ़ी तवज्जो दिया करते थे आज जो है मुस्लिम हुकूमतों ने आज की बात नहीं कर रहा हूँ काफ़ी पहले इसकी तरफ तवज्जो छोड़ दिया था जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुस्लिम हुकूमतों के पास ये फैक्ट्रियाँ नहीं हैं दूसरे मुल्कों से ये हथियार खरीदते हैं और काफ़ी महंगे खरीदते हैं खुद इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी जबकि इस्लाम का जो शुरू का दौर था अब बनु बनोमैया का दौर भी यह शुरू का दौर ही माना जाता है अभी सौ साल भी नहीं गुजरे पूरे तरीके से तो उस दौर में इसकी तरफ काफी तवज्जो दी गई थी काफी इसको अहमियत दिया था लेकिन बाद के लोगों ने इसे खत्म कर दिया बनोमैया के दौरे खिलाफत में थोड़ा इसकी तरफ भी तवज्जो दी गई थी कि अलग अलग इदारे बनाए जाएँ हुकूमती इदारे कायम किए जाएँ तो हुकूमती इदारे जब क़ायम कर दिए गए थे ये सब नहीं था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खलफ़ा राशिदीन के दौर में इसी वजह से और बहुत ज़्यादा उसका ख़र्चा नहीं था उस वक्त लेकिन बनु बनवामैया के दौर खिलाफत में उसको काफ़ी तरक्की दे दी गई थी थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी उमर रौदी तौर के दौरे खिलाफत में लेकिन वो बिल्कुल इब्तई मरहल में वो चीज़ थी और बनु बनोमैया के दौर खिलाफत में उसको तरक्की मिली थी और आज के दौर से उसको मिलाएंगे तो वो भी बहुत ही मामूली दर्जे का ही ये था उस जमाने में लेकिन उस जमाने के लिहाज से देखेंगे तो काफ़ी उन्होंने तरक्की दी थी उसको तो इसके खर्चे भी बढ़ गए थे तो ये ख़र्चे भी जो इदारती ख़र्चे कहलाते हैं यानी हुकूमत चलाने के जो ख़र्चे हैं, हुकूमत के जो इदारे हैं उन इदारों के जो मुलाजमीन हैंप्लाईज़ हैं उनकी सैलरी और उनके लिए बिल्डिंग वगैरह का इंतज़ाम उनके लिए और दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम जो उनकी ज़रूरियात में शामिल हैं ये सब भी हुकूमत का ख़र्चा हुआ करता था और इस लिहाज से बाकायदा जो है उसका एक एक कह लीजिए कि हुकूमत का जो बजट है तो बजट का एक अच्छा अच्छा खासा हिस्सा इसमें भी जाएगा और ये चीज़ रही अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में कि उस जमाने में जो हुकूमत की तरफ से काम करने वाले लोग होते थे तो आज के दौर में अगर मैं कहूँ तो जैसे क्लर्क वगैरह होते हैं लिखने वाले चीज़ों का हिसाब किताब रखने वाले तो इसी तरह की हुकूमत में नौकरियाँ होती थी उस जमाने में और इम्प्लाई कह लीजिए कि इसी तरह के हुआ करते थे उनकी तनख्वाहों वगैरह का मसला था तो बाकायदा जो है इसकी तरफ तवज्जो दी गई लेकिन उनकी तनख्वाहें कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी या कह लिए कि सैलरीज उनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी तो इस तरह के हुकूमती इदारों में जो काम करने वाले लोग थे जिन्हें कुत्ताब कहा जाता था तो पूरे उमवी दौर खिलाफत में सिर्फ अब्दुल मलिक बिन मरवान की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे उमवी दौ, दौर खिलाफत में यहाँ तक कि इसके बाद जब अब्बासी दौरे खिलाफत आता है तो मामून के दौर तक ये जो है तकरीबन तीन हजार छ सौ यानी तीन हजार छ सौ दिरहम एक साल के लिए महीने का नहीं है ये एक साल के लिए ये किसी भी कलर्क की हुकूमती इदारों में काम करने वाले की ये तनख्वाह हुआ करती थी ये सब सिलसिला जो है चलता रहा ऐसे ही जो है आगे बढ़ता रहा ये सिलसिला यहाँ तक कि हजाज बिन यूसुफ के बारे में ये बात आती है कि हजाज बिन यूसुफ का जो भी खत व किताबत यानी ये लोग खुद नहीं लिखते थे कोई आदमी रहेगा मुतन रहेगा वही लिखता रहेगा भेजता रहेगा तो जो इस काम के लिए आदमी था उसको तीन सौ दिरहम महीने में ये महीने की बात है साल की नहीं तीन सौ दिरहम वो उसको दिया करता था और ये शख्स जिसको ये आमदनी होती थी तीन सौ दिरहम की माहाना आमदनी यानी कह लीजिए मंथली इनकम उसकी तीन सौ दिरहम है तो उसमें से पचास वो अपनी बीवी को दे दिया करता था और इसी तरीके से गोश्त वगैरह के ख़रीदने के लिए घर की ज़रूरियात के लिए वो जो है आ, उसका जिक्र किया है कि 45 फाइव जो है दिरहम पैंतालीस चालीस पर पाँच दिरहम गोश्त वगैरह ख़रीदने के लिए इसी तरीके से आटे वगैरह के लिए तो ये सब जो है एक सिस्टम बना करके घर के ख़र्चे के लिए वो लोग किया करते थे तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आ, जितने भी इस तरह के मसाइल होते हैं चीज़ें होती हैं उस ज़माने में बाकायदा जो है हुकूमती जो इदारे थे और हुकूमती इदारों में जो काम करने वाले लोग थे उनकी तनख्वाहें मुतन करने का सिलसिला शुरू हो चुका था तो हुकूमत का पैसा इसके ऊपर भी खर्च होता था तो हज़्ज़ाज़ बिन यूसुफ का ही अभी जो चूँकि जिक्र चल रहा था तो मैं एक उसके तलुक़ से एक वाक़ आपको पेश करता हूँ कि हजाज बिन यूसुफ अपने जो उसका कातिब था यानि कह लीजिए हम उसको उर्दू में मुंशी कहते हैं कलक कह लीजिए आज के दौर के लिहाज से वो बीमार पड़ गया तो उसकी यादत करने के लिए गया बिन यूसुफ तब जो है देखा कि वहाँ पर <coughs> मिट्टी के और लकड़ी के कुछ जो है चीज़ें बनी हुई देखा उसका और कुछ है जो है घर के हालात को देखा हजाज बिन यूसुफ ने जब यादत करने के लिए गया तो ये कहा कि लगता है कि जो हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं यानी जो भी हमारी तरफ से आपको जो है आपकी मेहनत के बदले में जो कुछ भी दिया जा रहा है जो सैलरी दी जा रही है लगता है कि ये आपके लिए काफी नहीं है क्योंकि आपके घर की हालत तो बता रही है कि शायद आपको ये पैसे काफी नहीं हो रहे हैं खर्चे के लिए तो उस शख्स ने अल्लाह के बंदे ने बड़ा नेक आदमी था उसने कहा कि भैया तीन सौ दिरहम जो है अभी मैंने आपको बताया था कि उसको जो देता था महीने में वो तीन सौ दिरहम हुआ करता था तो उसने कहा कि अगर तीन सौ दिरहम मेरे लिए काफी नहीं है तो याद रखो अगर आप तीस हजार भी दे दोगे तो वो भी काफी नहीं होंगे यानी होता यह है ना कि आदमी अगर किफ़ायत शारी से चलाता है तो कम से कम पैसा भी काफी हो जाता है और अगर ऐसे ही खर्च करता रहा तो कितनी भी रकम दे दोगे वो कम ही रहेगी हमेशा परेशानी कुछ न रह, कुछ रहेगी तो उसका हालांकि एक मौका था कि जो है अगर हम जैसे लोग होते तो क्या करते हाँ हाँ बिल्कुल सही समझा आपने देख रहे ना मेरे घर की हालत क्या है भाई बहुत परेशान हो आप जरूर मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए वो इसी अंदाज से बात करते हैं लेकिन उस नेक आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि ये तसर देने की कोशिश की कि कोई बात नहीं है हमारे घर का इस पर गुजारा हो जाता है और किफायत शारी से कनात के साथ काम करेंगे इसी पर तो अल्लाह ताला उसी में बरकत देता है और अगर कनात नहीं है आदमी के पास तो चाहे कितना भी बढ़ा देंगे तो उसको हमेशा वो चीज़ कम ही नज़र आएगी तो ये मेरे भाइयों जो है बात थी निज़ाम के ताल्लुक से उस निज़ाम के ताल्लुक से जो कि अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हुकूमत की आमदनी और हुकूमत के ख़र्चे के ताल्लुक से थी हुकूमत की आमदनी के जो जरिए थे हमने आपके सामने पेश किया कि उसमें से एक ज़रात का जो है शोबा खेती का शोबा ये बड़ा हम जो है हुआ करता है किसी भी हुकूमत के लिए तो उस वक्त भी ये चीज़ थी तो उन्होंने कोशिश तो की थी कि जो है इसको आगे बढ़ाएं तरक्की दें जरात के शोबे को लेकिन अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में इराक़ के एरिए से खेती में तरक्की होने के बजाय यानी एग्रीकल्चरल जो फॉर्म था उसमें तरक्की होने के बजाय उसकी आमदनी काफ़ी कम हो गई थी इसके मुकाबले में जो हिस्सा उधर पड़ता था शाम वगैरह का उसके बाद का इलाका तो वहाँ तो तरक्की देखने को मिली लेकिन इस इलाके में नहीं जिसकी वजह भी मैंने बता दिया आपको कि चूंकि यहाँ फितने बहुत रहे परेशानियाँ बहुत रहीं उसकी वजह से यहाँ की आमदनी और यहाँ के सोर्स ऑफ इनकम पर भी उसका असर पड़ता था और आमदनी भी यहाँ से कम होती थी इसी तरीके से तिजारत का मामला है ताजिरों को जो सहूलतें दी जाती हैं और उसके बदले में उनसे जो टैक्स लिया जाता है उनसे जो कुछ भी हुकूमत के खर्चे के लिए उनको भी देना पड़ता है पैसे वगैरह जिसे आप टैक्स का नाम दे सकते हैं तो तिजारत का ये मसला भी अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में ये इराक़ के इलाके में ख़ास तरीके से बहुत ही कमज़ोर रहा क्योंकि यहाँ फितने रहे और याद रखिए किसी भी मुल्क में जब आपस में लड़ाइयाँ चलती हैं लोग अपने आप को सिक्योर जो है महसूस नहीं करते हैं तो तिजारतें भी ठप पड़ती हैं उस पर असर पड़ता है ताजिरों को परेशानियाँ होती हैं तो आदमी क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है अपनी तजारत को फ़रोग देने के लिए और वहाँ से जो है दूसरे मुल्क का रुख भी कर सकता है ये चीज़ें होती हैं हर दौर में रही हैं आज के इस दौर में भी ये चीज़ें आपसे आप पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं तो याद रख लीजिएगा कि जितना भी हुकूमत में अमन कायम रहता है वहाँ की तिजारत को तो उतना ही फरोग भी मिलता है वहाँ की तिजारत उतनी ही बढ़ती है तरक्की होती है उसमें तो ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में भी ये चीज़ हुई थी चूँकि हुकूमत दाखिली फितनों का बहुत ज़्यादा शिकार रही जिसकी वजह से आमदनी का ये सोर्स इनकम का ये सोर्स भी मुतार रहा लेकिन बाद में जब अमन कायम हो गया तो जाहिर सी बात है कि तरक्की हर मैदान में होगी तो तरक्की इस मैदान में भी देखने को मिली थी तो ये भी एक जो है आ, चीज़ थी उनके दौर के दौर खिलाफत के तल्ल से उसके निज़ाम के तल्ल से तो वो भी मैंने आपके सामने जो है पेश किया उस जमाने में एक मसला था और ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को आप लोगों के सामने पेश किया जाए ये तारीखी हकायक हैं जो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं इसकी वजह से आज के दौर की चीज़ों को समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी और आसानी होती रहेगी उस वक्त की जो रोमन एम्पायर जो यानी उसके इलाक़े जो थे तो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी हुकूमत में वो इस्लामी हुकूमतें आगे बढ़ती रही इलाके फतह होते रहे तो लेकिन फिर भी वो हुकूमत अभी कायम थी तो उस हुकूमत के साथ अब्दुल मलिक बिन मरवान या बनो उमैया के दौरे खिलाफत में किस तरह के तल्ल रहे और किस तरह की जो है चीज़ें रहीं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे मुल्कों से भी तजारती ताल्लुक तो होते हैं ना तजारत आज के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ बढ़ गई ये तजारतील्लुक़ात जो है यानी बिज़नेस रिलेशनशिप जो है उनका तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में भी ऐसा हुआ ये चीज़ें हुई कि उसने जो दूसरी हुकूमतें थीं उनके साथ भी ताल्लक को बेहतर किया और तजारती ताल्लक़ बढ़ाने के लिए उसने जो है बहुत सारी कोशिशें भी कि इस सिलसिले में लेकिन एक मसला था उस जमाने का वो मसला ये था जिसके लिए अब्दुल मलिक बिन मरवान को जाना जाता है उसकी अहमियत है ये मलिक बिन मरवान की कि उस जमाने के जो सिक्के होते थे ये सोने और चांदी के सिक्के जिसे हम दिरहम और दीनार कहते हैं ना ये लफ्ज आता था दिरहम ये चांदी के सिक्के होते थे और दीनार ये सोने के सिक्के होते थे तो अब ये सिक्के बनाने की बाकायदा फैक्ट्रिया होती थी उस जमाने में इनको ढाला जाता था उसमें सब बराबर होना चाहिए ना उसका बड़ा ख्याल ना करना पड़ता जैसे आजकल नोट छापे जाते हैं ना तो वैसे उस जमाने में ये सिक्के ढाले जाते बनाए जाते तो ये सिक्के ज्यादातर दूसरे मुल्कों से आते थे जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि रोम की जो हुकूमत थी उनका जो ईसाइयों की हुकूमत थी तो उनका अपना सिक्का होता था फारस की जो हुकूमत थी उनका अपना सिक्का यानी आज के दौर में कहना हो तो उनकी अपनी करंसी होती थी जब दो मुल्कों के दरमियान तिजारत होगी तो कौन सी करंसी चलेगी वो एक बड़ा मसला करेंसी को बाकायदा उस जमाने की जो करंसी दिरहम और दीनार उसको ढालने का काम इस्लामी हुकूमतों ने शुरू किया था लेकिन होता ये था कि ये बिल्कुल जैसा उनके पास है उसी तरह से उसको ढाल देते थे तो उसमें जो लिखा हुआ होता था ना तो ये उन्हीं की लैंग्वेज में होता था यानी गोया की एक तरह से यूं समझ लीजिए कि जो उनका ये है सिक्का वही चलता था दूसरी हुकूमतों का जैसे आज के दौर की जो करेंसियां हैं तो पूरी दुनिया में जो तिजारत होगी तो वो डॉलर के थ्रू यानी डॉलर को बादशाही हासिल थी करीब के दौर में और अभी तक समझ लीजिए कि है ही एक तरह से अगर चूंकि उसके बारे में मुख्तलिफ मुल्कों में बातें होती रही तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक काम ये किया था कि और इसकी तारीफ होनी चाहिए इसको लेकर कि इसने ये सोचा कि दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय हमारा जो अपनी हमारी करेंसी हो और उसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे अरबी में लिख चीजें अरबी में लिखी जाए ये बाकायदा जो है उसने शुरुआत पहले भी मैंने जिक्र किया कि अरबी को रिवाज देने का काम बहुत कसरत से रिवाज देने का काम अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हुआ था तो ये जो है उसने ये च, ये चीजें जो है शुरू की और बाकायदा इनकी अपनी करेंसी हो और इनकी अपनी करेंसी के साथ लेन देन हो दूसरे जो है मुल्कों की तजारत अगर रहेगी तो उसके लिहाज से लेन देन हो इस पर अब्दुल मलिक बिन मरवान की तवज्जो बहुत ज्यादा रही है और उसका बड़ा फायदा भी रहा और मैं बार बार आज के दौर में तो ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं है कि जिस मुल्क की करेंसी पर दूसरे मुल्क के लोग तिजारत करते हैं ना तो उससे खुद उस मुल्क की करेंसी को बड़ा फ़ायदा होता है तो इसी की तो जंग चलती रही है दुनिया में कि डॉलर की बादशाही ये कायम रहे उसके लिए अमेरिका ने बहुत जो है कोशिश की दूसरे मुल्कों ने बस जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कुछ और करना भी चाह लेकिन वो सब चीज़ें उतनी कामयाब नहीं हुई आगे जो है अल्लाह मालिक है कि क्या होगा कैसे होगा जो है लेकिन एक चीज़ मैं आपको करेंसी के तल्ल से मैंने बताया और ये अब्दुल मलिक बिन मरवान के के बारे में ये बात कहना जो है बहुत ही मुनासिब रहेगा कि उसने अल्लाह ताला के फलो करम से इसकी तरफ तवज्जो दी थी और बाकायदा जो है ये काम उसने किया था और उस पर अरबी इबारतें लिखवाने का काम और उसके लिहाज से सिक्के डालने का काम उसके दौर में होता रहा है तो ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने जो है पेश की कि उस वक्त का यानी माली निज़ाम क्या था फाइनेंशियल सिस्टम क्या था मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत में हुकूमत की आमदनी के सोर्सेस क्या थे और किस तरह से ये माल फिर खर्च होता था लोगों में उसके बारे में और हुकूमत के अखराजा किस तरह से पूरे होते थे वो चीज़ें कुछ थोड़ी सी हमने आपके सामने पेश की है आज का तारीख का ये जो है सबक तारीख़ का ये आ जो है सिलसिला हम यहाँ पर रोकते हैं और इन फिर जो है आपके सामने आगे की बात अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे खिलाफत की चीज़ें अब बहुत ज़्यादा नहीं रह गई फिर जो है उसके बाद जो खलीफा होते हैं फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी दौर आता है तो उधर जो है हम इन बहुत जल्दी अब आगे बढ़ने वाले हैं आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं एक ऐलान जो है आप सब के लिए ये है कि आइंदा हफ्ते ये दर्स यानी इतवार का ये दर्स नहीं रहेगा क्योंकि वो बकरीद के बाद का ये वीकेंड है ये तो ज्यादातर लोग शायद अपने घरों में रहें और आप समझते हैं कि जो है कुर्बानी वगैरह का जो है तो गोश्त वगैरह तो उसी में लोग शायद लगे रहेंगे खाने पीने का भी मसला है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात कही है कि अयाम तशरी अयामिन व शुर वज बाज़ रिवायतों में ये भी है कि ये अयाम तशरीक़ जो है ना ये खाने पीने के दिन है रोज़ा रखने से मना किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में। तो अब गोश्त वगैरह रहता है लोग भून करके थोड़ा कुछ जो है अपनी फैमिली के साथ मिल करके थोड़ा इंजॉय करते हुए खाना पीना चाहेंगे तो उसकी रियायत करते हुए आइंदा हफ्ते ये दर्स नहीं रहेगा फिर उसके बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे एक नए दर्स के साथ आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं सुबह निकल होंगे हम बिकतोल अस्तफ़िर वातू कोई लगी